हेलो बंधुगण, आज ही हमें पढ़िवा वेरियस टाइप्स ऑफ एंथाल्पी। हमें पूर्व क्लास रे एंथाल्पी बाबत रे जानी लेनी। एबे को केस रे की प्रकार रो एंथाल्पी हमको मिलुची हमें ताको देखिवा। प्रथमे जो दीटा वेरी इंपोर्टेंट एंथाल्पी ताको हमें डिस्कशन करिकी तार माने एप्लीकेशंस कोन अछि ताको देखि देबा। प्रॉब्लम सॉल्विंग केमिति होची ताको देखि नबा। देन अदर एंथाल्पी आडको जीवा। बंधु प्रथम जोटा वेरी इंपोर्टेंट सेटा होची एंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन। कौन रेटा एंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन जेमिति कि ना रु जणा पडुची एज द नेम सजेस्ट्स अस जहां हमकु ना कहुची जे एटा फॉर्मेशन किछि गुटे फॉर्मेशन हेला बेले जो एनर्जी रो माने इवॉल्व होची बा यू नो एक्सेप्ट होची हला। तो ताले बंधु जे ए फॉर्मेशन पुणी ताले कहारो ना गोटे केमिकल रो फॉर्मेशन हबो। आमे केमिकल थर्मोडायनामिक्स पढ़ुचंती। तो ताले गोटे निर्दिष्ट केमिकल निर्दिष्ट कंपाउंड तियारी हेले जेतिकी एनर्जी बाहरे बा जेतिकी एनर्जी दरकार हुए सेटा हबो एंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन। किंतु कोठु तियारी हेले बंधु ना तार कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट रु तियारी हवा दरकार। जेमिति कि मु धर कहिबी वाटर को तियारी करिबी। वाटरटा कोठु तियारी परिवो या देहरे थिबा कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ओडा किए ना हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को रूप रे थाए ना H2 रूप रे थाए। ऑक्सीजन को रूप रे थाए ना O2 रूप रे थाए। एको आमे बैलेंस कर देले कोन हबो बंधु ना 2H2 प्लस O2 गिविंग 2H2O। तो ताले जो वाटर फॉर्म हैला यार फॉर्मेशन रे आमरो हाइड्रोजन एलिमेंट एंड ऑक्सीजन एलिमेंट रो आवश्यकता पड़ीची। दे आर द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ वाटर। वाटर तो कोठ भी तैयारी हे पारे। वाटर आमे जानि छथि सोडियम हाइड्रोक्साइड सहित आमे जदि HCl मिसेबा सॉल्ट आ वाटर तैयारी हे दशम श्रेणी रु आमे पढ़ी छथि। किंतु से क्षेत्र रे बंधु सेटा ता कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट रु तैयारी हलानी। सोडियम ता वाटर भीतर नाही तेनु से रिएक्शन को नेकी एंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिफाइन करि परिबा नाही। तो ताले एंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन धरा जाऊ ए 2 मोल रो वाटर हाइड्रोजन 1 मोल रो ऑक्सीजन सहित रिएक्ट करिकी 2 मोल रो वाटर देछि एवं तत् सहित जति कि एनर्जी बाहरी छि एनर्जी लॉस्ट हीट लॉस्ट कु आमे नेगेटिव सिंबल द्वारा एक्सप्रेस करि थांती। ए भलिया रिएक्शन लेखि कि एठी जदि लेखाइ थिवो डेल एच इज इक्वल टू बे आमे कही सारी एच मीन्स डेल एच मीन्स चेंज इन एंथाल्पी मीन्स नथिंग बट हिट तमें शुद्ध हिटटा खाली कन्स्टांट प्रेसर में इवल्व होना रिसीव होता आम देखार अच्छी। तो डेल एच लेखिकी जदि माइनस लेखि दिगला समथिंग ताल आम जाना सेटा हूँ कौन रे शुद्ध तार हिटटा छाड़ी सी अर्थात हाइड्रोजेन ऑक्सीजन मिसिकी जिते वाटर दे कि एनर्जी बाहरी धरा जाऊ या हूँ एक्स कौन रे एक्स किलोजूल बुझीगला। एक्स किलोजूल केते बेले ना जेते बेले केते मोल रो वाटर तैयारी हेची ना 2 मोल रो वाटर तैयारी हेची। तो ताहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिसिकी ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन रे जेते बेले 2 मोल रो वाटर तैयारी हेची एंथाल्पी बा हीट केते बाहरी ना एक्स किलोजूल रो हीट बाहरी ताणु तेणु आम ताको लेखिले माइनस एक्स किलोजूल। बंधुगण धरा जाओ वर्तमान आमे यार डेफिनेशन ताले कौन है जीवो एंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ना द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज और द हीट चेंज। हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर एंथाल्पी को आउच माने कांस्टेंट प्रेशर उज्ज रहिछ न लेखले भी हो द हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस is formed from its constituent elements ethi condition ta kon na jo condition le tumhe taiyari karcho at given conditions is called the एंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन।
वेरी इंपोर्टेंट कथा। तो ताहले एठी केते मोल पई तयारी हि एनर्जी बाहर छि माइनस सॉरी एक्स किलो जूल रे ना 2 मोल पई बाहर छि आमर किंतु डेफिनेशन कोन कहू छि ना जेते बेले 1 मोल रो गोटे सब्सटेंस तयारी हुए कोठु तयारी हुए ना फॉर्मड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स अर्थात या थारु एंड या थारु जे कोनोसी जों कंडीशन कथा कहि छि 0 डिग्री सेंटीग्रेड बा जे कोनोसी कंडीशन रो कथा कहि छि 1 बार प्रेशर की 2 बार प्रेशर सेही समय रे जति की हीट चेंज हैला ताकू ही आमे कहि थांती एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन। संपूर्ण डेफिनेशन को मु भलो भाव रे ओडिया रे तुमको बुझै देली। बंधुगण वर्तमान आमे किंतु देखु छु 2 मोल पई एति की एनर्जी बाहर छि आमर डेफिनेशन ले किंतु जेहेतु 1 मोल रो कथा कहि छि तो ताहले मु कहिबी एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन को मु कोन सिंबल दिए रे ना डेल एच एफ एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू केते हबो ना माइनस एक्स 2 जूल को सेति की आमर 1 जूल को बाहरियो तेनु 2 हरि देले जेति खेला सेति की कोन माइनस एक्स बाय 2 किलो जूल वर्तमान प्रति मोल को बाहरि गला तेनु यूनिट आसी जीवो किलो जूल पर मोल। एंड आई थिंक यू गॉट इट क्लियरली मु टिके देखे मोर सिटीश ओके एकदम ठीक अछि। बंधु ताले आमे जानीगले कौन ना एतिकिरे आमर एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन बाबद कथा आसला किंतु एटी गोटे इंपोर्टेंट कथा अच्छे बंधु गिभेन कंडीशन तार अर्थ कंडीशन चेंज हो पार ए कथा को लक्ष्य करिकी आमे गोटे जाई परिबा स्टैंडर्ड एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन को ठीक रे स्टैंडर्ड एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन सेते बेले जेते स्टैंडर्ड माने ए कंडीशन टा गोटे निर्दिष्ट कर दिया जीवो फिक्स कर दिया जीवो स्टैंडर्ड कर दिया जीवो जनरली जेते बेले स्टैंडर्ड कथा थर्मोडायनामिक्स रे कहा जाउची स्टैंडर्ड टेंपरेचर टा केते रे ना स्टैंडर्ड टेंपरेचर टा हबो 298 केल्विन अर्थात 25 युक्त 273 अर्थात 25 डिग्री सेंटीग्रेड आउ स्टैंडर्ड प्रेशर टा हबो केते रे 1 बार केते हबो रे 1 बार तुम्हें जानते 1.01 सॉरी 1 बार इज इक्वल टू 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जगह पास्कल लिखि परियो लेट इट सेटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट कथा ना तो ताले प्रेशर 1 बार रहिबो टेम्परेचर 298 केल्विन रहिबो एही पर्टिकुलर केस रे जेते बेले आमे एबे एन्थाल्पी फॉर्मेशन रो कथा कहिबा ताहा स्टैंडर्ड एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन को बुझेइबो ता परे भी आउरी एडिशनल कंडीशन अछि कोन ना प्रथमत जे तयारी हबो तार कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट रु तयारी हबो किंतु जे तयारी हबो सीए सेही स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर रे तार स्टैंडर्ड स्टेट रे थिबो अर्थात मु जदि पानी कथा कहिबी 25 डिग्री सेंटीग्रेड 1 बार प्रेशर रे पानीटा कोन स्टेट रे थाए कि ना लिक्विड स्टेट रे थाए वाटर त तार स्टैंडर्ड स्टेट माने लिक्विड स्टेट रे रहिला 1 बार प्रेशर एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड 298 केल्विन रे जोंटा को आमे स्टैंडर्ड कंडीशन बोली कहउछ तेबे वर्तमान कथा होउछि जे वाटर पुणी जो ठारु तयारी हो जेतेला आमे स्टैंडर्ड एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ल कथा कहउचंती जेतेला आमे स्टैंडर्ड एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन र कथा कहउचंती तार अर्थ जे प्रोडक्ट तयारी हबो सिए तो तार स्टैंडर्ड स्टेट रे रहिबो रहिबो एवं जो प्रोडक्ट माने आम क्षेत्र रे जो वाटर सिए जहा ठारु तयारी हबो अर्थात हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ठारु तयारी हबो से दुई जण हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सेमान मध्य तांकर स्टैंडर्ड स्टेट नॉर्मल अवस्था रे थिबा दरकार स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर रे अर्थात हाइड्रोजन अछि गैसियस स्टेट रे ऑक्सीजन अछि गैसियस स्टेट रे कोउ टेंपरेचर कोउ प्रेशर रे डिड यू गेट मी ना तो ताले स्टैंडर्ड कहिले जिए जो ठु तयारी हबो से माने मध्य तांको स्टैंडर्ड स्टेट रे रहिबे एवं जिए तयारी हबो से मध्य तांको स्टैंडर्ड स्टेट रे रहिबो तो ताले हमर डेफिनेशन टा स्टैंडर्ड एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन लो कोन हबो ना हमर एंती हबो जे द हीट चेंज माने मु कोइ छु उज्ज कोन रहि जिवो एट कांस्टेंट प्रेशर काई ना आमे एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन लो कथा कहउचंती एन्थाल्पी माने हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर द हीट चेंज when 1 मोल पुनी स्टैंडर्ड एन्थाल्पी फॉर्मेशन माने केते मोल को रेफरेंस दिया जीवो 1 मोल when 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज फॉर्मड
इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट, प्रथम सेटा को मैं मेंशन कर दो, इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट, फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, आउ एलिमेंट माने मध्य ऑल्सो इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, ताहले जाए कि ए हीट चेंज टाकु इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड एन्थालपी ऑफ फॉर्मेशन. डिड यू गेट मी बंधु? अच्छा, तो ताहले आमे स्टैंडर्ड एन्थालपी ऑफ फॉर्मेशन को बुझी गले, अर्थात आमरो धरा जाऊ आमे एठी तो अननोन क्वांटिटी लेखी चंती बंधु, ए जो एक्स किलो जूल टा धरा जाऊ मोर एटा एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन हला सेटा होची कोन रे ना -576 किलो जूल, अर्थात जेते बेले 2 मोल रो वाटर तयारी हुए तार कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट को स्टैंडर्ड स्टेट रे 576 किलो जूल रो एनर्जी बाहरे सृष्टि हुए, सेति पई जोंटा इवॉल्व हुए एनर्जी सृष्टि हुए सिस्टम रु बाहर जाए ताको आमे नेगेटिव सिंबल रे बुझांती, सेति पई लिखा गला -576 किलो जूल, अर्थात 2 मोल पई आमर किंतु कोन कहला केते मोल तयारी होबरे बंधु, आमर तयारी होबो 1 मोल. तो ताहले स्टैंडर्ड एन्थालपी ऑफ फॉर्मेशन को आमे कोन सिंबल दउचंती रे, डेल एच एफ नॉट, कोन दउचंती डेल एच एफ नॉट. तो ताहले टा हि जीवो डेल एच एफ नॉट कार रे ए नॉट टा कहा पई डिग्री टा कहा पई यूज कले ना स्टैंडर्ड पई यूज कले, ताले इन स्टैंड एठो आरंभ करिया पढिवा, ए डिग्री टा को पढिवा स्टैंडर्ड, ए चेंज इन एन्थालपी टा को खाली पढिवा एन्थालपी, स्टैंडर्ड एन्थालपी, एफ फॉर फॉर्मेशन ऑफ वाटर, सेटा ताले कोन हला ना 2 मोल को थिला केते -576, एक मोल को केते हो हर दवा ताले केते हे जीवो 286 किलो जूल, एवं यूनिट प्रति मोल पिछा बाहरी गला तेन हे गला किलो जूल पर मोल. एई पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट को नहीं कि खाली आमे वाटर रे कहउचंती, एमिती अनेक अमोनिया हला बा जे कोनोसी ग्लूकोज हला कि जे कोनोसी गोटे मॉलिक्यूल रो स्टैंडर्ड एन्थालपी ऑफ फॉर्मेशन काढ़ी हबो, एवं स्टैंडर्ड एन्थालपी ऑफ फॉर्मेशन बंधु एई क्षेत्र रे जो सबुठारो बेसी इंपोर्टेंट जहा हमकु मने रखिया कहबो सेटा होची जे जेति की एलिमेंट्स प्रीमोर्डियल एलिमेंट्स जहा बहु पूर्वरु पृथ्वी पृष्ठ रे अछंती जो माने हेले हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ए भलिया एलिमेंट गुडा कर स्टैंडर्ड एन्थालपी ऑफ फॉर्मेशन को हमकु कन्वेंशनली धरि नबा को हेबो जीरो, तार अर्थ से माने तयारी हि रहिचंती से माने तयारी होवारे कौनसी एनर्जी बाहर नहीं कि दरकार हो नहीं लॉस होनी कि गेन होनी, तेणु तांकर स्टैंडर्ड एन्थालपी ऑफ फॉर्मेशन से एलिमेंट मानकर धरिनिया गला जीरो. टिके लेखि दउची सेटा को भूलिबो नाही काहेकि ना आमे जो या परे प्रॉब्लम सब सॉल्व करिबा सेथिरे ए स्टैंडर्ड एन्थालपी ऑफ फॉर्मेशन समस्तकर देइथिबो जे तळ कैलकुलेशन किछि मागिबो किंतु सेही मानकर देइ नथिबो, से जानिया को चाहिबो तुमे जानिचो कि नाही जे एई भली एलिमेंट मानकर स्टैंडर्ड एन्थालपी ऑफ फॉर्मेशन टाकु जीरो धरि न्याय जाइछि बोली. तो बंधु ताला आमे एबे कहउछनि कोन ना स्टैंडर्ड एन्थालपी ऑफ फॉर्मेशन कहार रे बंधु ऑफ कार एलिमेंट्स बुझेला कथा बंधु. तो तेबे एबे आमे कोन करिया रे ना एबे आमे कहार कहार कथा कहले एलिमेंट्स कहले O2 हला हाइड्रोजन हला नाइट्रोजन हला कार्बन हला किंतु कार्बन रो कौन फॉर्म कार्बन रो ग्राफाइट फॉर्म तो बेउ सर कार्बन लो तो गोटे डायमंड भी अच्छी हाँ किंतु ग्राफाइट टा को स्टैंडर्ड एलिमेंट धरागला ताकु टेम्परेचर प्रेसर देले सीए डायमंड रे कन्वर्ट हे जीवो, डायमंड भी कार्बन लो तैयारी ग्राफाइट भी कार्बन तैयारी किंतु स्टैंडर्ड एलिमेंट कहाँ को धरागला ना कार्बन लो, तेणु स्टैंडर्ड एन्थालपी ऑफ फॉर्मेशन कहार जीरो धरा हबो ना कार्बन जोटा कि ग्राफाइट फॉर्म रे अच्छी. सेइबोली सल्फर रो सॉलिड फॉर्म दी प्रकार अच्छी गोटे रंबिक सल्फर गोटे मोनोक्लिनिक सल्फर, जेतेबेले सल्फरटा रंबिक फॉर्म रे थाए बेले बेले लिखाई थाए कौन रे SR बुझेला कि यार स्टैंडर्ड एन्थालपी ऑफ फॉर्मेशन टाक जीरो धराई एक टेम्परेचर प्रेसर कंडीशन देला परे सीए सल्फर मोनोक्लिनिक रे कन्वर्ट हो जाए, सल्फर मोनोक्लिनिक अर्थात सेटा को लिखाई थाए SM,
ताले यार धरा हम स्टैंडर्ड एंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो ये दि जनकर नुहे तो ताले यही जिते एलिमेंट सब ने एक दुई तीन चार पाँच एमती किसी एलिमेंट अदर अच्छा अदर एग्जांपल अच्छा समस्त स्टैंडर्ड एंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन केते धरिबु रे सुन बंधु आमे एबे कौन पढ़िबा ना जो एंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन जानिले तार मुख्य आप्लिकेशन कौन अच्छी बंधु प्रथमे ए जो एंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन को नेकि आमे कैलकुलेट करि परिबा एंथाल्पी ऑफ रिएक्शन एंथाल्पी ऑफ रिएक्शन यार अर्थ कौन बंधु ना गोटे रिएक्शन हेले केते एनर्जी दरकार हुए बा से रिएक्शन टा हेले केते एनर्जी प्रोड्यूस करे बुझीगला तो सहीटा को कहा एंथाल्पी ऑफ रिएक्शन द हीट चेंज हुए ने केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हीट चेंज कहले दरकार पड़े गोटे रिएक्शन होगापी एनर्जी भी नहीं पारे और दुटा रिएक्टेंट को मिसेले जो प्रोडक्ट दब से प्रोडक्ट किसी एनर्जी छाड़ पारे तो ताले द हीट चेंज व्वेन ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्वेन ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड द एंथाल्पी ऑफ रिएक्शन वर्तमान कथा होची जे बंधु जे लक्ष्य कर जे जदि आमे स्टैंडर्ड एंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन को नहीं कि एंथाल्पी ऑफ रिएक्शन काढ़ीबा ताले सेटा हे जीवो स्टैंडर्ड एंथाल्पी ऑफ रिएक्शन बुझियोची बंधु तार अर्थ इफ इन ए रिएक्शन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड जो प्रोडक्ट तैयारी हबो इज इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट एंड ऑल्सो द रिएक्टेंट्स आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट देन The heat change of the chemical reaction, is called the standard enthalpy of reaction. बंधु ताले जदि जो प्रोडक्ट तैयारी हला से प्रोडक्ट अच्छी तार स्टैंडर्ड स्टेट रे जो रिएक्टेंट यूज होती से माने मध्य तांका स्टैंडर्ड स्टेट अच्छा तार अर्थ आम एंथाल्पी ऑफ रिएक्शन काढ़ीबा किमिति बाहर तो देखिबा से स्टैंडर्ड एंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन को यूज करिकि स्टैंडर्ड एंथाल्पी ऑफ रिएक्शन बाहरिबो इफ ऑल ऑफ देम ऑल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट देन द हीट चेंज विल बी कंसीडर्ड एज द स्टैंडर्ड एंथाल्पी ऑफ रिएक्शन सो आम एवं फॉर्मूला नहीं जीवा बंधु लक्ष्य कर जे धरा जाऊ मु कहिबी ए प्लस बी गिविंग सी प्लस डी ए रिएक्शन रे एंथाल्पी ऑफ रिएक्शन केते डेल एच आर एमती लिखाई थाए और जदि स्टैंडर्ड एंथाल्पी ऑफ रिएक्शन कथा कहिबा जदि एटा स्टैंडर्ड लागिजिवो ताले एठी गुटे डिग्री लागिजिवो डेल एच आर नॉट बा डेल एच नॉट आर बंधु एथिरे किमिति काढ़ा ना एंथाल्पी ऑफ रिएक्शन स्टैंडर्ड एंथाल्पी ऑफ रिएक्शन केते हीट बाहर बा गेन हम डेल एच आर नॉट स्टैंडर्ड एंथाल्पी ऑफ रिएक्शन केते हम ना समेशन ऑफ मिसेई दबा कहार कहार ना एंथाल्पी ऑल द चेंज सॉरी समेशन ऑफ एंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट जेते प्रोडक्ट अच्छा ये दुटा अच्छा यार गोटे एंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन थी यार गोटे एंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन थी से स्टैंडर्ड एंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन को मिसेई दबा हला माइनस ये रिएक्टेंट अच्छा सब रिएक्टेंट मानकर स्टैंडर्ड एंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन को मिसेई दबा डेल एच नॉट एफ ऑफ केवे रिएक्टेंट्स केरे रिएक्टेंट्स हला तो ताले प्रोडक्ट मानकर स्टैंडर्ड एंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन को मिसेई देकी जदि रिएक्टेंट मानकर स्टैंडर्ड एंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन लो मिसाण ए दिटा को फेड़ी दिया जाए जहां मिलिबो ता हबो हमकू स्टैंडर्ड एंथाल्पी ऑफ रिएक्शन
वर्तमान यही दुईटा भैल्यूरु आम रिएक्शन को दुई भाग में विभक्त करपर जमीक बारंबार परीक्षा पढ़ुची जे केमी तुम्हें थर्मोडायनामिकाली क्लासीफाए कर गोटे रिएक्शन टाकु ताले थर्मोडायनामिकाली क्लासीफिकेसन मान गोटे रिएक्शन रे हीट चेंजर कथा कहुच अर्थात जदि एटा बड़ जदि समेसन अफ इफ समेसन अफ डेल एच एफ नट कहारे प्रडक्ट मानकर स्टांडार्ड एंथाल्पी अफ फर्मेसन मिशाण फलटा जदि रिएक्टेंट मानकर स्टांडार्ड एंथाल्पी अफ फर्मेसन मिशाण फल ठारु बड़ जदि जिनसटा या ठारु बड़ ताले आमर जो फर्मूला अच्छी बंधु ताले ये बड़ होगला ये सान होगला तेणु आमर एठु कौन हो ना डेल एच आर नॉट इज इक्वल टू पॉजिटिव आसीजीव अर्थात मुझे तुमको आगुरु कहीदेची केमिस्ट्री हिट लॉसटा को आम नेगेटिव सिंबल रे बुझाती किंतु ये हिट एंथाल्पी माने कौन हिट पॉजिटिव तार अर्थ हिट अब्जर्व है जो रिएक्शन रे हिट अब्जर्व हो प्रोडक्ट दिए कहती एंडोथर्मिक रिएक्शन ताले हिट इज गेन्ड तेणु ए प्रकार रिएक्शन जो थे कि प्रोडक्ट मानक एंथाल्पी अफ फर्मेसन टा बड़ रिएक्टेंट मानक एंथाल्पी अफ फर्मेसन ठारू से एंडोथर्मिक रिएक्शन हम से भली जदि एटा सान एटा बड़ ताले बंधु आउ थे कौन यहाँ सान होगा एटा बड़ होगा आम जानते हैं सानु बड़ फेल नेगेटिव आसो डेल एच आर नॉट नेगेटिव अर्थात एनर्जी कौन है एनर्जी लॉस है कहीं नेगेटिव माने एनर्जी लॉस्ट जो रिएक्शन रे प्रोडक्ट तैयारी होगा सहित एनर्जी किसी बाहर माने एनर्जी से सिस्टम रु लॉस होगा एनर्जी सृष्टि आम कहती एक्जोथर्मिक रिएक्शन कौन कह एक्जोथर्मिक रिएक्शन वर्तमान कथा हूँ बंधु ए सबू कथा आम चलो यही फर्मूला को पकईकि प्रॉब्लम्स करनवा तापर वीडियो रे आउ जो 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 एंथाल्पी वेरियस टाइप्स ऑफ एंथाल्पी रहिला से एंथाल्पी ऑफ कंब्यूशन एंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एमिति भिन्न भिन्न प्रकार एंथाल्पी ऑफ ट्रांजिशन नहीं कि तार प्रॉब्लम भिन्न भिन्न प्रकार हो पार यहीटा लिंक कर सीधा हेसेस लॉ को ओके बंधु चलो आम कि प्रॉब्लम करनवा।